हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हीरो ब्रांड के ओरिजिन के बारे में। हीरो ब्रांड को यार कौन नहीं जानता। हीरो ब्रांड माइनक्राफ्ट में क्यों आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, सब मैं आपको बताऊंगा। तो कहानी स्टार्ट होती है एक गांव से, एक ऐसा गांव जो बहुत पीसफुल था, जहाँ पे सब कुछ ठीक था, विलेजर्स आराम से अपना काम करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी विलेजर की गैंग विलेज पे हमला करती है, वो सब कुछ लूट के ले जाते हैं। और ये अब रोज का हो गया था, रोज विलेजर की गैंग आती थी, विलेज को लूट लेती थी और कुछ विलेजर्स को मार देती थी। विलेजर्स ने सोचा अब वो दो ऐसे क्रिएचर बनाएंगी जो उनके विलेज को गार्ड करेंगे, क्योंकि आयरन गोलम से अब ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि विलेजर्स की तादाद ज्यादा थी। तो सारे विलेजर्स उस रिचुअल को कर रहे थे और बीच में विच ने देख लिया, और विच विलेजर्स की गैंग से थी। तो विच ने अपना हुलिया विलेजर्स की तरह बनाया, उस रिचुअल के मंत्रों में कुछ फेर बदल करने की कोशिश की, और फिर ठीक है चलते वो मंत्र आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और बने दो क्रिएचर्स। लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं थे, वो उनका अपना एक दिमाग था, और एक का नाम है हीरोब्रेन और एक का नाम है डार्क एंटिटी। यही दोनों जो थे वो दो क्रिएचर्स बन गए, और डार्क एंटिटी और हीरोब्रेन मतलब दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन हीरोब्रेन ज्यादा पावरफुल था। डार्क एंटिटी की कमजोरी थी कि वो क्राइंग ऑब्सिडियन से डरता था, उसकी कमजोरी ही क्राइंग ऑब्सिडियन थी। लेकिन हीरोब्रेन को कोई कमजोरी नहीं थी, हीरोब्रेन एकदम फुल गॉड लेवल का था। और इसी बात से डार्क एंटिटी जलने लगा, और डार्क एंटिटी हमेशा मतलब हीरोब्रेन से जलता रहा था, उसको मारने की कोशिश करता रहता था। लेकिन हीरोब्रेन को यह बात पता नहीं थी, हीरोब्रेन उसे अपनी मन की नहीं करने देता था। डार्क एंटिटी बहुत कुछ करना चाहता था पर हीरोब्रेन उसे रोक लेता था, और यही बात उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। फिर वो विच के पास गई ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके हीरोब्रेन को मारने में या फिर ट्रैप करने में। तो विच ने उसे बताया कि हीरोब्रेन को मारा नहीं जा सकता, उसे बस ट्रैप किया जा सकता। तो डार्क एंटिटी ने पूछा क्या है वो तरीका है। तो विच ने कहा कि मैं एक ट्रैप बना के रखूंगी, तुम बस उसको वहां लेके आ जाना। उस ट्रैप में गिरने के बाद उसकी मेमोरी भी चली जाएगी, ताकि उसे ये याद ना रहे कि हम लोगों ने ही उसे ट्रैप किया, नहीं तो अगर वो बाहर आ गया तो हम लोगों को बहुत बेरहमी से मारेगा। डार्क एंटिटी इस पे राजी हो जाता है, और वो हीरोब्रेन को मतलब अपने पीछे लाता है और उस ट्रैप में मतलब उसको धक्का दे देता है, और फिर हीरोब्रेन ट्रैप हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और एक दिन ड्रीम बॉय नामक एक व्यक्ति ने हीरोब्रेन को उस ट्रैप से निकाल दिया, और हीरोब्रेन को कुछ याद तो था नहीं, इसलिए ड्रीम बॉय को ही अपना मालिक समझ के वो उसकी बात मान रहा है। तो गाइस ये थी मेरी स्टोरी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर मैं अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।